2000 के नए नोटों को लेकर मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। SBI बैंक से दो किसानों को 2000 रुपए के नए नोट दिए गए, जिसमें महात्मा गांधी की तस्वीर गायब मिली। दरअसल यह मामला श्योपुर जिले की बड़ोदा तहसील का है, जहां बिच्छू खेड़ी गांव के रहने वाले लक्ष्मण मीणा और काड़ू खेड़ी के गुरमीत सिंह SBI बैंक से 8-8 हजार रुपए निकालने पहुंचे थे। दोनों किसानों को बैंक की ओर से 2-2 हजार रुपए के 4 नोट दिए गए। इस दौरान बिना नोटों को देखे उन्होंने कैशियर से नए नोट तो ले लिए, लेकिन जब बैंक से बाहर आए तो पता चला कि नोट से महात्मा गांधी की तस्वीर ही गायब है। ऐसे में बैंक के बाहर लोगों में हड़कंप मच गया। हर कोई 2000 के नोटों को नकली बताने लगा, जिसके बाद दोनों किसान जब वह वापस बैंक के पास नोट लौटाने पहुंचे तो बैंक वालों ने नोटों को नकली मानने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में बैंक प्रबंधन ने अपनी सफाई में कहा है कि 2000 के नोट असली हैं, लेकिन मशीन में नोट पूरी तरह प्रिंट नहीं हो पाए, इसलिए महात्मा गांधी की तस्वीर गायब है। बताया जा रहा है कि शुरुआत में तो बैंक अधिकारियों ने इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन बाद में नोट वापस ले लिए। आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया था, जिसके बाद 500 और 2000 के नए नोट जारी किए गए थे। नोटबंदी के बाद आए 500 और 2000 के नए नोटों की प्रिंटिंग में खामियों के कई तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। खासकर 2000 के नए नोटों में यह समस्याएं ज्यादा देखी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि नकदी की किल्लत से परेशान जनता असली और नकली नोटों की पहचान कैसे करे। देखते रहिए डीबी लाइव।